नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं मूंग बाटी। आपने मावा बाटी तो बहुत खाया होगा, पर मूंग बाटी ना खाए होंगे। बताइएगा कौन कौन खाया है। ये देखिए, हमें एक कटोरी चावल ले लिया है, ग्राम में देखें 250 ग्राम। ये एक कटोरी मूंग की दाल है, ये भी 250 ग्राम है। कुल मिला के हो गए 500 ग्राम। इसको अच्छे से हमने धो लिया है, ये देखिए। अब इसको उसमें कपड़ा में डाल के वो करना है, सुखाना है। थोड़ा सा पानी वो हो जाए, सूख जाए। आप पंखे के अगर टाइम हो तो डाल सकते हैं, पानी बस उसका सूख जाए, बस हो गया। ये देखिए, अभी कढ़ाई में डाल दिया है हमने इसको। आप अपने अनुसार जितने लोग हैं, पहले आप बनाइएगा तो चम्मच से उसका मेजरमेंट कर लीजिएगा। 4 चम्मच चावल, 4 चम्मच मूंग की दाल। हमको बहुत सारा बनाना था, हमने इसलिए इतना सारा ले लिया है। इसको भून लिया है हमने, कलर नहीं चेंज करना है आपको। जैसे लगे कि सूख गया है, ये गैस बंद कर दीजिए। देखिए वहाँ पूरा सूख गया, अच्छी तरह से आवाज़ आ रही है। ठंडा हो जाने पर ही मिक्सी में चलाएं। ठंडा हो गया मेरा पूरी तरह से, इसका पाउडर बनाना है। ऐसे पूरा इसका पाउडर बना कर रखना है। यह चम्मच हमने घी डाल दिया है, शुद्ध देसी घी है। घी लीजिएगा, घी नहीं है तो आप डालडा भी ले सकते हैं। यह वही जो पीसा था हमने दाल चावल, उसको डाल दिया है। अब इसको भूनना है, इसको कलर नहीं चेंज करना, अच्छे से भून लेना है, खुशबू आने लगेगी। भून गया है, यह देखिए पूरा अच्छे से भूनना है आपको। खाने में बहुत अच्छा स्वाद लगता है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा लीजिएगा आप। ये दूध हमने ले लिया, ये दूध है 1.5 लीटर मेरा, फुल फैट उबला हुआ दूध है। ये देख सकते हैं आप, गैस का फ्लेम एकदम लो करके तभी आपको दूध डालना है। इसका वो बंधने ना पाए, गांठ जैसे बन जाती है ना। ये है 1/2 kg दूध, कुल मिला के हुआ 2 लीटर। आप थोड़े से भी दूध में बना सकते हैं, बस दाल चावल का कम कर दीजिए। पहले बना के देखिए आपका कैसा बनता है। प्लीज़ अगर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। मेहनत बहुत लगती है इसको चलाने में, देखने में आपको लग रहा है बड़ा सरल है, सरल नहीं है। इसको अच्छे से चलाना है, कढ़ाई में ना लगे। देखिए अब कढ़ाई छोड़ने लगा, जैसे वो पकेगा वैसे कढ़ाई छोड़ने लगेगा। देखिए हाथ में चिपक भी नहीं रहा है, पूरा समेट रहा है, ये डो जैसे बनने लगा है। ये देखिए पूरा घी भी रिलीज कर दिया है जितना हमने डाला था। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अभी तक तो आपने खोवा का बनाया होगा, इस बार मूंग दाल बना के देखिएगा। हमने एक कटोरी शक्कर ले लिया है, चाशनी बना लेते हैं तब तक इसका। ये 2 कटोरी पानी डाल दिया है। जैसे आप गुलाब जामुन का बनाते हैं चाशनी, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है।
बस शक्कर घुल जाए उसमें, एक उबाल आ जाए उस स्टेज में गैस बंद कर देना है, ज़्यादा नहीं पकाना है आपको। ये हमने केसर दूध में डाल दिया, आप पूरी तरफ से स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो। ये देखिए हल्का सा थोड़ा सा चिपचिपा जैसे ग्लिसरीन लगता हाथ में, वैसे होने लगे। इस स्टेज में आप बंद कर दीजिए गैस का फ्लेम। देखिए अच्छी तरह से उबाल आ गया पूरा, ये हमने गैस बंद कर दिया है। ये हमने काजू ले लिया है, थोड़े से बादाम है, किशमिश है, नारियल का वो बूरा है, इसको अच्छे छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिएगा। ये थोड़ा सा हम ब्राउन शुगर डाल दिए हैं, क्या बोलते हैं देसी खांड, आप शक्कर भी इसकी जगह डाल सकते हैं, थोड़ा सा डालिएगा ज़्यादा नहीं, जिससे हल्का मीठा रहे। ये वही है जो मूंग का हमने बना के, देखिए पूरा घी रिलीज कर लिया है, उसको निकाल लीजिएगा घी का। अभी हम थोड़ा सा बना के दिखा रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा निकाला है हमने। ये एक पिंच इनो है, आपके पास इनो ना हो तो इसकी जगह आप मीठा सोडा डाल सकते हैं, एक पिंच ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डाल लीजिएगा। अच्छे से इसको ऐसे हाथ में रखे, अच्छे से मसल लीजिए, छोटी छोटी लोई बना के इसको भरना है। देखिए पहले टेस्ट कर लीजिए आपका कहीं फूट तो नहीं रहा है। ये देखिए हमने थोड़ा सा डाल दिया घी, तेल गरम हो गया है मेरा। अगर आपका वो फूटे तो आप इसमें मैदा या गेहूं का आटा ऐड कर सकते हैं, वैसे फूटता तो नहीं है। और अगर ज़्यादा ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा दूध का छींटा लगा के उसको मुलायम भी कर सकते हैं आप। ऐसे मीडियम आंच करके इसको तलिएगा, लो नहीं करना है, वैसे भी पका है अच्छे से, है ना बढ़िया। मुंह में पानी आ रहा है ना देख के, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये हमने डाल दिया है चाशनी में, चाशनी हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। ये और बना लिया हमने, आप चाशनी में इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, हमने डाल दिया दिखा नहीं पाए आपको। है ना बढ़िया मूंग बाटी। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने वही केसर वाला दूध डाल दिया है। हमारे यहाँ बच्चों को रबड़ी के साथ खाने में अच्छा लगता है, अभी हमने रबड़ी नहीं बनाया है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बनता है, ये देखिए हम काट के दिखा रहे हैं आपको, ये है ना एकदम। एकदम सॉफ्ट है, जूसी,
थैंक यू।